हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे पास एक डिस्पोजल गाड़ी आ रखी है जो अभी फिटनेस हो रखी है उसकी। 2026 तक की वैलिडिटी है उसमें। तो एक्चुअली मैं ही लेके आया हूँ मेरे फ्रेंड के साथ अपने, तो हम वहाँ से ही स्टार्ट करके लाए थे। बट स्टार्ट हमने वहाँ कर ली थी, एक्सीलेटर की तार वगैरह कार्बोरेटर का इशू था। तो मैं आपको वो कंडीशन दिखाता हूँ गाड़ी की, क्या क्या कंडीशन है और क्या क्या गाड़ी के साथ सही है। और जब हम लेके आए थे बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो रखी थी, तो अभी हम लेके आए हैं यहाँ पे अपनी शॉप पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी में क्या क्या है और क्या क्या एज इट इज़ सही है और क्या क्या हमें डालना पड़ेगा गाड़ी में। तो अब गाड़ी के पास चलते हैं और गाड़ी में दिखाते हैं कि क्या क्या कमियाँ हैं। भाई जब देख सकते हैं, हम ये वाली बुलेट लेके आए थे, 2011 मॉडल है इसका। RC का भी काम हो रहा है, दो टीम में पेपर वगैरह जमा करा चुके हैं। बट जिस प्राइस पे हम लेके आए हैं बहुत रिजनेबल प्राइस है। और मैं आपको दिखा सकता हूँ इसके साथ साथ हमें गाड़ी के साथ क्या क्या मिला है। गाड़ी पूरी टायरों पे आई है, पूरी टो होके आई है आराम से। तो बस आप देख सकते हैं, आओ दिखाता हूँ गाड़ी में क्या क्या है। सो गाइज़, आप देख सकते हैं सारी गाड़ियाँ हरियाणा पुलिस वालों की होती हैं। आप यहाँ पे नंबर भी देख सकते हैं, नंबर लिखा हुआ है। और टैंक की कंडीशन देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको साफ़ करेंगे थोड़ा सा रस्ट आ गया हुआ है, ये हमारे सारे चेंज ही होंगे। और यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं इंजन के पास, तो यहाँ पे कार्बोरेटर है ही नहीं। मैं अपना कार्बोरेटर लेके गया था स्टार्ट करने के लिए। कार्बोरेटर वहाँ पे खड़े होते हैं तो वो बिक जाते हैं, तो ईज़िली उन्होंने निकाल निकूल कर बेच दिए होंगे। तो आप देख सकते हैं स्टॉक सलेंसर लग रखा है। और टायर्स देख सकते हैं आप इसके, इनसे हमें पता लगता है ये गाड़ी गाड़ी के साथ के टायर है ये। और गाड़ी बहुत कम चली हुई है, पिछला टायर भी ये गाड़ी के साथ का ही है। और मैं अगला दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं आप, ये भी गाड़ी के साथ के ही हैं। ये सारे के सारे MRF के टायर्स हैं। ये ज़्यादा चलती नहीं है, गाड़ियाँ जो होती हैं पुलिस में या आर्मी में किसी को भी दे सकते हैं आप। मीटर की रीडिंग देख सकते हैं, ये जेन्युइन रीडिंग है। और जब मैं ये लेके आया था तो ये वर्किंग में था, सब कुछ लाइटें वगैरह सब कुछ वर्किंग में है। पूरी कंडीशन देख सकते हैं, यहाँ हमें बैटरी नहीं मिली है इसमें। बट सेल्फ की रिले वगैरह, CDI वगैरह मैं सब चेक करके लाया था। तो आप इंजन की हालत देख सकते हैं, स्टैंड देख सकते हैं, बस पूरी गाड़ी में सारा सामान है। ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि ये सारी चीज़ें हमें डलवानी ही पड़ती हैं, बैटरी हो गई, कार्बोरेटर हो गया, तो ये टाइम टू टाइम ख़राब हो ही जाती हैं। सेल्फ में भी थोड़ा सा इशू है, वो कोई बात नहीं है, वो वन वे ख़राब हो ही जाता है। तो आप बस इस भी गाड़ी में यही कंडीशन ख़राब थी इसकी, कि यहाँ से चेसी थोड़ी सी बेल्ड हो रखी है। बट ये फिनिशिंग के साथ किसी ने करी नहीं है, अगर करी भी है तो कोई नहीं, इसको हम वेल्डर के पास ले जाके पूरी अच्छे तरीके से वेल्ड करवा के और फिनिशिंग देंगे। आप टूल बॉक्स भी देख सकते हैं, इसके सारे के सारे सही हैं, बस थोड़े से रस्ट आ रखा है यहाँ पे। तो ये सारा क्लीन अप करके फिर देखते हैं हमें इसमें कितना काम करना पड़ेगा। बाकी इंजन वाइज स्टार्ट थी, तो अभी मैं आपको स्टार्ट भी करके दिखाता हूँ कि कैसे स्टार्ट हुई है और क्या साउंड है गाड़ी की। और ऑयल लेवल वगैरह सब कुछ सही था, देख सकते हैं यहाँ पे। आप ब्रेक शू की भी हालत देख सकते हैं, ब्रेक रोड वगैरह, ब्रेक शू कितने हमारे डाउन हो रखे हैं। तो ये सारे अलॉय देख सकते हैं यहाँ पे। मैं अगर थोड़ा सा इसे साफ़ करना चाहता हूँ तो ये क्रोम पाउडर से थोड़े सही हो जाएंगे। और चेन सेट भी ज़्यादा चला हुआ नहीं है, बट ये खड़ी खड़ी ख़राब हुई हुई हैं गाड़ियाँ। और आपको मैं गाड़ी के वो भी प्रेशर भी बताता हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं कैसे पूरा हाइड्रोलिक सवार कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अभी हो सकता है कि इनका ऑयल ऊपर चढ़ा ना हो, ऑयल फिल्टर वीक हो जाते हैं। ये न्यू मॉडल्स जब न आई थी 2011 में, तब का मॉडल है ये इलेक्ट्रा मॉडल। और बाकी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। सो गाइज़, आप देख सकते हैं मैं इसमें बैटरी लगा चुका हूँ। तो मैंने इसमें अभी 4LV की बैटरी लगाई है, क्योंकि मैं बड़ी बैटरी लगाने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि अगर इसका स्टैंड है नहीं और यहाँ पे अभी बेल्ट्स वगैरह कुछ नहीं है बैटरी की जो इसको यहाँ पे रोक सके। क्योंकि अगर मैंने अभी इसको इसीलिए बांधा है कि कपड़े के साथ बांधा है, तो मैं 4LV लगा रहा हूँ, हमें अभी सेल्फ नहीं लगाना है। क्योंकि मैंने कल इसको चेक कर चुका हूँ, इसका वन वे ख़राब हो रखा है। वन वे ख़राब हो रखा है इसका, तो सेल्फ तो वर्किंग में है, वन वे ख़राब हो रखा है। तो अभी मैंने इसमें 4LV लिया है, क्योंकि बस मेरे को गाड़ी स्टार्ट करनी है इसलिए। और मैंने यहाँ पे सेल्फ की तार नहीं लगाई हुई,
सिर्फ मैंने इसको करंट दिया और आगे से यहाँ पे मैंने कल ही डायरेक्ट कर लिया था मेन स्विच में, क्योंकि मेरे को की वगैरह कुछ नहीं मिली थी गाड़ी के साथ के साथ। तो आप यहाँ देख सकते हैं लाइट वगैरह आ चुकी हैं यहाँ पे, ये सुई देख सकते हैं आप, ये वर्किंग में है पूरी पूरी। आगे का न्यूट्रल भी आ चुका है यहाँ पे और हेडलाइट वगैरह भी चल रही है, इंडिकेटर भी आप देख सकते हैं। इंडिकेटर मैंने कुछ नहीं करा था अभी तक, गाड़ी एज इट इज़ की एज इट इज़ है, यहाँ तक कि वॉश भी नहीं करी थी लाने के बाद। और बस मैं इसमें कार्बोरेटर लगाने वाला हूँ और पेट्रोल लगाने वाला हूँ, एज इट इज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे एक्सीलेटर की तार देख सकते हैं ख़राब हो रखी है पूरी की पूरी, थ्रोटल देख सकते हैं पूरा ऐसे ही चल रहा है। बस कार्बोरेटर लगाते हुए स्टार्ट करके आपको साउंड सुनाता हूँ गाड़ी की। हम सिर्फ स्टार्ट करने के लिए सिर्फ कार्बोरेटर लगा रहे हैं, इस गाड़ी में बहुत काम करना है अभी हमें, तो विदाउट क्लैंप और विदाउट फिल्टर के ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सिर्फ देख सकते हैं आप, मैं पाइप के सारी सर्विस स्टार्ट करूँगा। कल भी मैंने ऐसे ही स्टार्ट करी थी बट वहाँ पे स्टार्ट करने के बाद मैं नॉर्मली चला के लाया था, सिर्फ धक्का मार के ही लाए थे मायापुरी से, सोच सकते हैं आप, मायापुरी से कालका जी तक लात लगा के लाए थे इस गाड़ी को। अगर हम पैसे बचाने हैं तो हम लाए थे, अगर आपको किसी को लानी हो मायापुरी से तो आप वहाँ से ऑटो वगैरह कर सकते हैं, बट हमें थोड़ा सा थोड़ा एडवेंचर करना ही होता तो हम अपने आप ही ले आते हैं, और जहाँ पैसा बचता बचाना चाहिए। गाइस अब आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है पूरी, हाइड्रोलिक की हल्की सी साउंड है, बस ये ऑयल पंप डालने के बाद सेट हो जाएगी और कार्बोरेटर की थोड़ी सी सेटिंग है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो यही होगी कि इसकी पूरी रिस्टोरेशन होगी और उसमें आपको मैं प्राइस बताऊँगा कि इसको हमें कितने का ख़रीदा है और कितने का नहीं।